छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में जुट गई है। साथ ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी चयन से पहले भाजपा अपना चुनाव कार्यालय शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि चुनाव कार्यालय के जरिए पार्टी व्यवस्थित सेटअप देना चाहती है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि विधानसभा चुनाव के समाप्त होते ही पार्टी लोकसभा चुनाव में जुट गई थी। वहीं प्रत्याशी चयन पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी चयन की एक निश्चित प्रक्रिया है और एक समय के बाद पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुटी हुई है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अंतरिम बजट पर कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां देश ने तरक्की ना की हो। वहीं उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस बजट में आम जन के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रावधान होगा। रायपुर से संवाददाता भूलेश मिश्रा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और जैसे मैं पहले भी कहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के समाप्त होने ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई थी और ये सबको पता है कि चुनाव की तैयारी संगठन करती है, संगठन हमारा चुनाव लड़ता है, पार्टी हमारी चुनाव लड़ती है और चुनाव की गतिविधियां प्रारंभ हो गई है और इसलिए पार्टी अब चुनाव कार्यालय प्रारंभ करके जो हमारे चुनाव की तैयारियां चल रही है उसको और व्यवस्थित स्वरूप देना चाह रही है और इसलिए ये आज 3 स्थानों पर पार्टी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है, रायपुर, दुर्ग और महासमुंद।